कौन कौन खाना खा के नहीं आया भाई, हम नहीं आया। तो इस भीड़ में कैसे सर्वाइव करोगे आज? ये मैं रख लूँ, चलो दोस्तों। पानी देखो कितना क्लियर है, बिल्कुल। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों आज है मेरी ग्रुप राइड, पहली ग्रुप राइड बाइकर्स के साथ। राइड तो बहुत की है लेकिन ये ग्रुप राइड पहली है मेरी, और आपको दिखाता हूँ लाइनअप बाइकों का। तो सबसे पहले तो मेरी ब्लैक बीस्ट FT25, और एक भाई हैं एंटॉर्क वाले, एक FTS, FT, और एक है एक्सपल्स। और ये भैया आ गए R15 वाले V3। भैया अभी यहाँ से या आगे मिलेंगे कोई? एक है विच बाइक, कौन सी बाइक वाले भैया? R15 उधर खड़ी करता हूँ यार रोड पे। अरे कहाँ नीचे यार, गिरेगी वो वहाँ साइड स्टैंड पे, लगा दो, लगा दी स्टैंड। यार हेलमेट में बन रही है यार, भाप बन जा रही है। तो दोस्तों ये है बाइकों का लाइनअप। तू भी फ्लैशर जला रखे हैं तेरे, तो पता ही नहीं लग रहा क्यों, तेरे फ्लैशर पता ही नहीं लग रहे क्या हो गया? ठीक है, एक भाई का और इंतजार कर रहे हैं R15 वाले। ले ले फोटो, ले ले, तेरा फोन खाली है तो फोटो ही ले ले यार। बाकी कितने लोग आ गए हैं? एक हलवानी मिलेगा, वो डोमिनर वाले। हाँ, डोमिनर वाला। अब ये ना, मेरी बैटरी अभी डाउन हो जाए क्यों, फिर पता लगे धक्का स्टार्ट करनी पड़ेगी, किक तो है नहीं। देना भाई तुम बड़ी जल्दी फोन अंदर रख लेते, फोन देना क्योंकि हमारे तो लगे हुए हैं भाई। अच्छा उसे भी खींचना है, चलो ग्रुप फोटो हो रहा है। इधर एक और भाई आ गया R15। ज़्यादा लोगों में उतने मज़ा आएगा। तो दोस्तों एक बार और लाइनअप चेक करते हैं कौन कौन सी बाइक है, क्योंकि उसके बाद एक आध लोग और आए हैं। तो रोड क्रॉस करते हैं, देख रास्ते पता लगे कोई मेरी लाइन बना दे। तो ये हैं बाइक्स, इधर से शुरू करते हैं। सबसे पहले FG25, फिर R15 V3, फिर है X200 FG, R15 M, Antorque और R15 V4। कोई नहीं बैठा रहे यार, सॉरी। लग रहा था मुझे देख रहे हैं।
है भाई, रेयर बाइक है, लगता है कि पता ही नहीं किसी को ये MT2 भाई कोई बाइक है, मतलब किसी को नहीं, बहुत लोगों को पता है लेकिन ज़्यादातर नहीं पता। वैसे अच्छा भी लगता है कि जो मेरे पास बाइक है वो पूरे ग्रुप में नहीं है, जैसे अब R15 3 है टोटल, हम हैं कितने, लगभग 8 लोग हैं, 3 R15 है। बुराई नहीं कर रहा हूँ, वैसे कह रहा हूँ खास। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम डेस्टिनेशन पे और ये है हमारी बाइकें, ये है मेरी और बाकी भाइयों के सामने खड़ी हैं। क्या मस्त सीन है, सारे भाई लोग लगे हुए हैं फोटो शूट करने में। अच्छा ये वाली हुई क्या पंचर, कौन सी ये देखो कुछ लगा तो हुआ है और हवा निकल रही है अभी। जा रहे हैं मैं ऊपर को, जो हमारा डेस्टिनेशन है शायद ऊपर ही है, और ये हमारे राइडर्स बेचारे बाइक पैदल पैदल बाइकों पे आए थे, अब देखो कैसे कैसे चढ़ रहे हैं। जगह तो सही है लेकिन वो कहाँ है, वाटरफॉल कहाँ पे है? कौन कौन खाना खा के नहीं आया भाई? हम नहीं आया। तो इस भीड़ में कैसे सरवाइव करोगे आज? पत्ते खा के पेट में चूहे कूद रहे हैं, ऐसे दर्द हो रहा है, जंगली वही चूहे बाहर निकालो उसी को खाओ। वेजिटेरियन है ना बाइक के बगल में। अच्छा कल जो लेग पीस था वो किसका था, घास का बनाया था? एक स्कूटी और बढ़ चुकी है, एक लाइनअप में स्कूटी बढ़ चुकी है, सोया चाप थी वो, लेग पीस लग रहा था लेकिन था सोया चाप। जैसे लोग राइडर्स जैसे चिल्ला रहे हैं लगता है हम झरने के पास पहुंच गए, तो देखते हैं भैया यही है वो, आगे देखो वो देखो वहाँ तो है पब्लिक है पूरी यार, वहां तो पब्लिक है पूरी भाई, कितनी खुशी हो रही देखो। रुकना 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 यार, धक्के मत मारने भाई। यार रास्ता तो ऐसा है कि कोई सोच नहीं सकता कि यहाँ आगे जाके कोई ऐसी जगह आएगी, लेकिन भाई फिसला ना थोड़ा देख लेना। अबे यहाँ तो कीचड़ हो रखा है, चलो चलो तुम, मैं सबसे लास्ट में। अरे यार तुम क्या करवा के मारना, मैं चंडी बाबा अभी। अरे हेलमेट यहीं रख दे क्या, हेलमेट पकड़ के उतरना तो और रिस्की है। तो फ्रेंड्स फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं और सब राइडर्स लोग बैठे हुए हैं। देखो एक भैया अपने GoPro की बैटरी चेंज कर रहे हैं और यहाँ फोटोशूट चल रहा है, और ये है मस्सा वाटरफॉल, बहुत बड़ा पत्थर अटका हुआ है ऊपर, और ये अगर गिर जाता है तो सबकी मोए मोए हो जाएगी। वाह भाई मज़ा आ गया यार, इतना साफ पानी, सबको मज़ा आ रहा है। ये देखो योगा कर रहे हैं ये। क्या खूबसूरत लोकेशन है यार, क्या ही खूबसूरत लोकेशन है। कुछ देखने लायक है? आपको दिखाते हैं, झोपड़ी बन रखा है। ओ गजब यार, बाहर से देखो, बाहर से तो ऐसा, अरे क्या बात है यार, वाह भाई वाह। और मुझे लग रहा है वॉशरूम है सामने ना, बहुत, अरे कूलर भी है भाई,
बहुत ही अच्छा है भाई यहाँ स्टे भी। तो दोस्तों अगर कोई यहाँ आता है तो स्टे भी कर सकता है, सिंगल बेड है बहुत ही अच्छा। तो दोस्तों व्लॉग यहीं एंड करते हैं क्योंकि मोबाइल की बैटरी रह गई सिर्फ 5%, कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है। तो व्लॉग होता है यहीं दी एंड, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।